तो अगला फॉर्मूला जो बच्चों हमें मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सीखना है, रिंग का। रिंग में तो केवल एक ही चीज होगी, उसकी रेडियस। और रिंग जो हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे रिंग को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, छल्ला या अंगूठी कहते हैं, तो वो उंगली में हम पहन सकते हैं नहीं, क्योंकि वो खोखली होती है। यानी जब मैं यहाँ पर रिंग का डायग्राम बनाऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ बीच में कुछ नहीं है। इस एक्सिस के अबाउट मैं करने जा रहा हूं, इस एक्सिस के अबाउट भी कर सकता हूं तो भी तो उतना ही आएगा। वो जो गोल रिंग है उसके लिए एक्स और वाई सेम ही तो हुआ, और एक जेड एक्सिस हो गई, वो आपकी उंगली की तरह काम करेगी। नहीं समझे? अगर एक चूड़ी समझ ली थोड़ी बड़ी सी, एक्स वाई, और जब हमने उसको अपनी उंगली में पहना लिया, यहां नहीं, यहां तो टाइट हो जाएगी ना, उंगली में अगर पहना लिया फिर उंगली के अबाउट उसको घुमा दें तो उंगली कैसे काम करेगी, जेड एक्सिस की तरह। ठीक है, तो हम आई एक्स एक्स निकालेंगे, वाई वाई निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो आई जेड जेड भी मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, चलिए तो अभी इस एक्सिस के अबाउट निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। बना ले रहा हूँ एक्स वाली भी, ये सेंटर हो गया इसका, लेकिन हम लोग जो काम करने जा रहे हैं वो इस एक्सिस के अबाउट कर रहे हैं। इसको आप वाई एक्सिस कह सकते हो। अभी फॉर्मूला क्या होता है वाई एक्सिस के अबाउट अगर हमें करना है, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी, यानी आपको एक्स चाहिए और डीएम चाहिए, दो चीज़ें चाहिए निकालने के लिए। डीएम क्या होता है अगर वहाँ डायग्राम से कंपेयर करें, तो एक छोटा एलिमेंट, बड़ी बॉडी में एक छोटा एलिमेंट, तो इसमें भी हम एक छोटा एलिमेंट मान सकते हैं, लेकिन क्या वो छोटा एलिमेंट हम यहाँ कहीं मान सकते हैं, यहाँ बीच में कहीं नहीं मान सकते, क्योंकि बीच में तो वो हॉलो है, मटीरियल है ही नहीं। तो हम लोग कहाँ मानेंगे, सरकमफेरेंस पे मान सकते हैं, यहाँ मान सकते हैं कि नहीं। ये छोटा सा एलिमेंट मैंने बना दिया, दिखाई दे रहा है, लेकिन ना कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा इतना छोटा बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इस एलिमेंट को थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूँ, ये इतना बड़ा एलिमेंट है, ताकि मैं कैलकुलेशन कर पाऊँ। लेकिन आपके हिसाब से ये कुछ ऐसा है, ध्यान से देखना जरा, ये एलिमेंट कुछ ऐसा है, बस समझ गए, यहां बड़ा करके बना रखा है ताकि आपको दिखे। तो मैंने क्या किया, ये एक एलिमेंट बनाया है। अच्छा, ये एलिमेंट सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, यहां थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं भाई, ये एंगल भी तो बहुत छोटा होगा, तो ये एंगल बहुत छोटा है, इसलिए इसका नाम मैंने क्या रख दिया, डी थीटा। अच्छा, ये जो एलिमेंट मैंने लिया वो यहां से थीटा एंगल पर लिया है, तो यहां से ये थीटा एंगल पर बना दिया मैंने। इसकी रेडियस कितनी होगी, ये वाली कैपिटल आर, भाई जो रिंग की रेडियस है वही इसकी रेडियस हो जाएगी, आर हो गया, सही है इतना। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ डीएल, ये कितनी होगी, आर डी थीटा, कैसे होगी बता देता हूं। एक फॉर्मूला है हिंदी में, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, अंग्रेजी में एंगल इज इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस। तो ये जो बना रखा है मैंने, चलो इसको मैं अगर यहां बना दूं ऐसे, तो ये डी थीटा है, ये आर है, और ये वो आर्क है जिसकी लेंथ हमें चाहिए। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल है डी थीटा, आर्क और रेडियस कितनी है आर, तो आर्क की लंबाई कितनी आ जाएगी, वही मैंने लिखी है, समझ में आएगी नहीं। तो ये हमने आर्क की लंबाई निकाल ली। अब आप देखो यहां ध्यान से क्या करने जा रहा हूं मैं, वही यूनिटरी मेथड यहां कर देता हूं। मास ऑफ इसकी लेंथ कितनी है पूरी, 2πr, सर्किल की सर्कमफेरेंस 2πr, मास ऑफ 2πr लेंथ कितना है m, इसका जो टोटल मास है वो कितना है m है, गिवन है। तो मास ऑफ यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, m अपॉन 2πr, तो मास ऑफ r d थीटा लेंथ कितना हो जाएगा, m अपॉन 2πr इंटू r d थीटा, r r कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, m d थीटा अपॉन, आया समझ में कि नहीं, ये किसका मास आया, छोटे एलिमेंट का, और उस छोटे एलिमेंट का मास को हम लोग क्या मानते हैं, डीएम।
छोटा एलिमेंट का जो मास होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, डीएम मानते हैं, यानी डीएम की वैल्यू आ गई। इतनी देर से जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे, ये डीएम कितना आया, एम डी थीटा अपॉन। अब देखते हैं एक्स क्या होता है, तो यहां से आप देखेंगे एक्स क्या है, एलिमेंट की वाई एक्सिस से दूरी। यानी अगर मैं इस डायग्राम में देखूं तो यही तो एक्स हुआ, सही है कि नहीं? तुम जरा आर के कॉम्पोनेंट करो और मुझे बताओ एक्स कितना होगा। आर के कॉम्पोनेंट करो, इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, तो ये वाली लेंथ तो यही हुई ना, तो एक्स बराबर कितना हो गया, तो साइन थीटा क्यों बोल रहे हो, नहीं समझ में आया? कॉम्पोनेंट कर दिया मैंने इसका, इधर आर कॉस थीटा है वही तो एक्स है, तो जो हमें एक्स चाहिए वो कितना है एक्चुअली, आर कॉस थीटा। अब देखो मुझे एक्स भी मालूम है और डीएम भी मालूम है, ये दोनों वैल्यू मैं यहां रख सकता हूं, रख सकता हूं नहीं रख सकता हूं, और फिर मैं इंटीग्रेट करूंगा। तो पहले चलो आप इतना नोट कर लो, और ये जो चीजें ये वाली और ये वाली, ये साइड में नोट करना, इसके नीचे भी कैलकुलेशन करूंगा मैं पूरा, नोट करो जल्दी से। तो आई वाई वाई इज इक्वल टू हो जाएगा x की वैल्यू r cos थीटा, यानी r cos थीटा का होल स्क्वायर, dm की वैल्यू md डी थीटा अपॉन 2 पाई, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो r स्क्वायर बाहर आ जाएगा, m बाहर आ जाएगा, 2 पाई बाहर आ जाएगा, अंदर रह गया cos स्क्वायर थीटा d थीटा। अब d थीटा यानी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आएगी थीटा वाली, तो ये एलिमेंट पूरा ये कवर कर जाए रिंग, उसके लिए थीटा कहां से कहां तक होना चाहिए, हाँ ये एलिमेंट जब यहां होगा थीटा बराबर जीरो, और घूमते घूमते पूरी रिंग कब बनेगी, जब वापस यहां आ जाएगा, यानी जीरो से टू पाई, तो इसकी लिमिट होनी चाहिए जीरो से टू पाई। तो अब सारा खेल जो है वो इस इंटीग्रेशन का है, अगर आपको ये इंटीग्रेशन आता है डेरिवेशन खत्म, मैकेनिक्स का पार्ट इसमें खत्म हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पार्ट खत्म हो गया, अब तो आपका 12th स्टैंडर्ड का इंटीग्रेशन आ गया है, और ये आगे भी आएगा दो तीन जगह डेरिवेशन में, तो मैं एक में सिखा दे रहा हूं, आगे मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, ध्यान रखिएगा। तो इस इंटीग्रेशन को करने के लिए कोई बताएगा क्या करते हैं, वेरी गुड, कॉस टू थीटा के कुछ फॉर्मूले हैं, एक है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूले हैं। मैं ये वाला यूज करूंगा, और कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट क्यों नहीं कर दे रहे हैं, कुछ के दिमाग में आ रहा होगा इसका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले मौजूद है साइन और कॉस के, वो केवल सिंगल पावर में मौजूद है, यानी हमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा मालूम है, कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं मालूम है, उसको सिंगल पावर में कन्वर्ट करना पड़ता है, कन्वर्ट करने के ये फॉर्मूले हैं। अगर इसमें साइन स्क्वायर थीटा आता तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर लेता, कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहां से मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा, तो जो वैल्यू जब निकालूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आता है, ये वन इधर ले आओ, तो वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन, थोड़ा अलग अलग कर लोगे तो वन बाई टू प्लस कॉस टू थीटा बाई टू, यहां पे पुट कर देता हूं मैं, केवल इतना पार्ट अलग करके दिखा रहा हूं तुम लोगों को, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा की जगह वन बाई टू प्लस कॉस टू थीटा बाई टू डी थीटा, यहां से हो जाएगा, दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग करो, सही है इतना, वन बाई टू बाहर थीटा का इंटीग्रेशन, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, डी एक्स का एक्स होता है ना, डी थीटा का थीटा, कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन साइन, वेरी गुड, ये इंटीग्रेशन होता है साइन टू थीटा बाई टू, और लिमिट हमने क्या लगा रखी थी, जीरो से टू पाई, तो हर जगह लिमिट लगा देता हूं, जीरो से टू पाई, जीरो से टू पाई, रखते हैं यहां पर अगर लिमिट तो क्या होगा देखें, चलिए तो 1 बाई टू
टू पाई माइनस जीरो प्लस ये वाला वन बाई फोर, टू टू जा फोर, ब्रैकेट में देखो क्या आएगा, साइन टू थीटा की जगह टू पाई यानी साइन फोर पाई माइनस साइन जीरो। साइन फोर पाई की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। साइन फोर पाई की वैल्यू जीरो और साइन जीरो की वैल्यू, तो जीरो माइनस जीरो कितना हो जाएगा, यानी ये पूरा टर्म गायब। बचा क्या है यहां से, केवल टू पाई, और टू पाई बाई टू करोगे तो क्या आएगा, तो इसको सॉल्व करके आया पाई, समझ गए, यानी इतने इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी है बच्चों, पाई। तो अब यहां पर वापस आ जाते हैं, तो ये हो गया एम आर स्क्वायर अपॉन टू पाई इंटू पाई, पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो आई वाई वाई की वैल्यू कितनी आ गई, एम आर स्क्वायर बाई टू। अब ये जो एम आर स्क्वायर बाई टू आया, ये वाई के अबाउट आया, अगर तुम एक्स के अबाउट भी निकालते तो वो भी तो सेम आता, तो उसके लिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, सिमिलरली आई एक्स एक्स इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू। तो आई जेड जेड कितना होता, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दोनों को जोड़ दो, तो आधा एम आर स्क्वायर ये है और आधा एम आर स्क्वायर ये, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, पूरा एक एम आर स्क्वायर बन जाए। तो ये जेड एक्सिस के अबाउट है, जेड एक्सिस कौन सी, ये वाली जो आपको अपनी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, कर लीजिए नोट जल्दी से इसको।